मैं अपना दिखाना चाहूंगा तिरंगे झंडे जो लगातार इस साइड दिखा दे भाई, मतलब लगातार जो कल राकेश टिकायत वाला जो मामला होया है उसमें आपने दिखाना चाहूंगा थोड़ा इस साइड हो जाए। ये आप देख सको हो, मतलब एक लाइन में जो है ट्रैक्टर ट्राली पर बरकत दोबारा लोग आने शुरू हो गए हैं। आप देख सको हो दोबारा लोग आने शुरू हो गए हैं। खाद्यान्न खाप का एक जो ट्रैक्टर ट्राली है किसाना का भरकर और बहुत दूर तक बहुत बड़ा काफिला किसाना का आने लग रहा है। आप देख सको हो यानी कल राकेश टिकायत वाला इस साइड हो जाए थोड़ा, राकेश टिकायत वाला जो मामला होया उसमें आप देख सको हो लगातार किसानों के जो ट्रैक्टर ट्राली है वो भर करना लगातार फुल बहुत ज़्यादा संख्या में किसान और पहुँचने लग रहे हैं। आप देख सको और ईब जो मामला उठाया है SDM का ज्ञापन दिया है कि भाई ये बहादुरगढ़ तो किसान आप देख समस्त देशवाल खाप यानी लाकड़ भर भर कर राशन पानी उसमें दिखाई दे, दूध के जो पत्तल हैं दूध के कैंदर हैं मतलब बहुत सारा राशन पानी किसान है तो लगातार आने लग रहा है। और एक सीन और आपने दिखाना बहुत ज़्यादा संख्या में और भी जो ट्रैक्टर हैं वो लगातार आने लग रहे हो, आप ये भी चीज़ देख लो मोटरसाइकिल पर आप देख सको हो मोटरसाइकिल पर कितना बड़ा काफिला किसानों का फिलहाल आने लग रहा है। मोटरसाइकिल पर बहुत बड़ा काफिला किसानों का आने लग रहा है। ट्रैक्टर आप देख सको हो बहुत बड़ी संख्या में चौधरी छोटू राम जी का आपका फोटो लगाया गया है और ऊपर तिरंगा झंडा लगाया गया। आप देख सको किसाना का बहुत बड़ा काफिला ई भी बहादुरगढ़ बाईपास पर काफिला पहुंचने लग रहा है। और आप देख सको देखिए भाई वीडियो अपनी बिल्कुल बिल्कुल सरकार का आंदोलन खराब हो गया, आंदोलन खराब मेरे भाई जब हुआ जब नेता बके आंदोलन बरकरार है ना टूटन का लड़ांगे और जीतांगे। बिल्कुल भाई आप देख सको गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड मैं तो आपने जो बुजुर्ग आदमी है ये भी कुछ बैठे हैं ये भी आता हुआ देखने था हुआ ये कब आओगे अपना मदीने छोड़ेंगे पलटेंगे अच्छा मदीने पलटेंगे कौन सी जगह आए हो संभालते हैं बिल्कुल। तो मतलब दिखाना चाहूंगा बहुत बनेगा हाँ जी उससे भी जबरदस्त बनेगा। लेकिन अभी अभी एक पंचायत और रखी गई ये कह रहे थे किसान जो कह रहे थे कि ये BJP के आदमी उन्होंने SDM तक ज्ञापन सौंपे है कि ये जो किसान नहीं है ये सारे मतलब खराब कर रहे हैं बहादुरगढ़ खाली करवाने खातिर उन्होंने SDM तक ज्ञापन दिया है। गलत फहमी है BJP का। अच्छा हाँ हमारा और ये देख लो भाई नौजवान कितने अपने नौजवान साथी लगातार ट्रैक्टर ट्रालिया में और गाड़िया में झंडे लगाए कर आपने दिखाना चाहूंगे एक एक गाड़ी में दस दस जो नौजवान साथी हैं तिरंगे झंडे लगाकर किसान आंदोलन और अलावत का आप ये भी आप देख सको तिरंगे झंडे लगाकर गाड़िया में और ट्रैक्टर में बहुत बड़ा काफिला इबे इबूरा पहुंचा है लगातार अपना बहादुरगढ़ बाईपास किया अपना मैं तस्वीर दिखाना गांव रामपुरा जवारवाल ये भी आप देख सको लगातार ट्रैक्टर में गाड़िया में पैदल भी मोटरसाइकिल पर भी बहुत बड़ा काफिला किसानों का दौर और अपनी मातृ शक्ति हमारी चाची ताई भी आ गई भाई ये भी आप देख लो बहुत भारी संख्या में एक बहुत बड़ा काफिला इबे फिलहाल पहुंचने लग रहा है और काफ़ी बड़ा काफिला दूर तक आपने दिखाना चाहेंगे। यानी जिस तरह 26 जनवरी ने गणतंत्र दिवस ने जो ट्रैक्टर की परेड काटी गई ठीक उससे तरीके से काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर ट्राली हमें लगातार किसानों को काफिला पूरा लंबा आपने दिखाना चाहूँगा दूर तक काऊ राम 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 उसी जगह तो हो डाल छापले रोहतक के यानी रोहतक के जो किसान है वो भी आगे और भी देख सको हो एक एक ट्रैक्टर में कितने कितने नौजवान साथी नुन्ना गाड़िया में अपना दिखाना चाहूँगा लगातार पहुँचने लग रहे हैं। यानी जिस तरीके से 26 तारीख ने भाई एक प्रदर्शन कराया था जो परेड में गए थे और ये दिखाना चाहूँगा ट्राली में आप खुद देख लो कितनी भारी संख्या में यानी बहुत भारी संख्या में पूरे जो है किसान पहुंचे हैं लगातार किसान और पहुंचने लग रहे हैं गाड़ी में ट्रैक्टर में मोटरसाइकिल में और भाई पैदल भी बहुत भारी संख्या में। राम राम प्रधान जी।
राम राम। ई बैठे पंचायत करी गई और उस पंचायत में वो अपने आप ने कह रहे थे बहादुरगढ़ के वासी है, इस साइड है जो रोड तो थोड़ा रोड जाम नहीं हो, और उन्होंने एस डी एम तक ज्ञापन दिया है बहादुरगढ़ के चोर से। अच्छा, ज्ञापन दिया है कि ये जो किसान है इन्हें उरत उठाओ, इन्हें गंदगी फैला दी और ये सारे नशेड़ी हैं, दारू पीवा है और हमारी मतलब माँ बहन सुरक्षित नहीं। इस तरीके की उन्होंने बात कही है कि इन्हें उरत उठाया जाओ है। यो बेकाऊ दनहाड़ कोई नहीं उठाएगा, उनके घर ताई बढ़ जाएंगे सारे के सारे। हम नहीं उठाएंगे, आरोप लगाया। ये प्योर किसान है, प्योर किसान सारे। वो कह रहे थे कि उन्हें देश के पांच सौ के पांच पांच हजार के मोल के लिए उठे हुए सारे। ये कह रहे थे कि वो कि 26 जनवरी ने तिरंगा का अपमान कराया, हम अपमान वाले सहन नहीं कर सकते। 300 वाले पुलिस वाले तलवारों वाला काट दिए वाले किसान नहीं है। भाई बीजेपी द्वारा प्रायोजित था वो मोल के और वो काम कराया था, वो उन्होंने अपने आदमियों द्वारा पुलिस वालों को चोट मरवाई और जो झंडा फहराने वाला था वो स्पष्ट हो गया कि वो बीजेपी का खास आदमी था। सनी देओल के इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहा था वो। दीप से दूजी पे एफआईआर तक दर्ज नहीं करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो कह रहे थे कि फोटो तो कोई भी किसी का खिंचा, इसका बोले उस तो नहीं साबित होता ही बीजेपी मन ना खिंचवाए मोदी का आज तक ना हमने खिंचवा है। ये कितने भाई खड़े, किसका फोटो है? अकेले दीप से दूगा फोटो ना खिंचवाएगा फोटो रही बात ना हमने तो पांदा नहीं मोदी कड़िया फोटो करते खिंचाओगे। आज के जो धरने की थी सतपाल राठी करमबीर राठी नाम लेकर आ रहा हूँ। कौन से गांव से हैं ये? भादरगढ़ से, प्रॉपर भादरगढ़ से। और ये इनके किसानों के दम पे यहाँ भादरगढ़ में बैठे हैं और आज ये किसानों के विरोधी, इनको शर्माणी से जो गंदगी ने उन्हें भादरगढ़ में सीरत फैला रखी है सतपाल राठी ने। इस इतना गंदा करप्ट आदमी कोई भी नहीं है, चाहे वो मेरे पे केस करना चाहो केस कर सकता है। तो आप देख सो है किसानों ने जो विरोध कराया पुल पर खड़े होकर हजारों की संख्या में उनका विरोध कराया और आरोप लगाया कि वो बीजेपी के आदमी है। लेकिन युवा नाला टेम बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई 2 महीने तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन 26 के बाद अचानक किसानों पर आरोप लगाया गया कि ये आंदोलन खराब कर रहे हैं और ये किसान नहीं है, ये नशेड़ी है, तो दारू पीकर इतना डीजे बजावा, इस तरीके के जो आरोप किसानों पर लगाए गए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 26 के बाद ये आरोप क्यों लगाए गए, पहले 62 दिन में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो भाई वह दया CID वाली बात है, बोले दया बोले कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ तो जरूर है। वीडियो ना ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो और भाई ज्यादा ज्यादा किसानों तक पहुंचाओ, और आपका इन वीडियो में के मानना अपने सभ्य कमेंट के जरिए सोच विचार जरूर दे दियो। जय जवान जय किसान।